426 नंबर क्वेश्चन में जो है हमसे पूछना रेंज। तो अगर तुम्हें किसी भी फंक्शन की रेंज पूछता है, क्या पूछता है? रेंज। तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी, जिनकी रेंज याद करनी है उनकी तो करनी करनी है, मतलब जैसे साइन की, कोस की, साइन इनवर्स की, कोस इनवर्स की, टैन की, उनकी तो करनी करनी है। लेकिन किसी फंक्शन की अगर रेंज पूछता है, वो फंक्शन दे जाए जैसे किसी को दे रखा, तो उसकी किस तरीके से तुम रेंज निकालोगे? तो सुनो, जो भी फंक्शन है उसमें तुम वाई के बराबर रखोगे, वाई के बराबर रखने पर इक्वेशन बनाओगे, एक इक्वेशन बनाओगे। और गलती ये होती है कि यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि वाई बराबर रख देते हैं कि वाई में इक्वेशन बनेगी, बल्कि तो वाई में इक्वेशन है लेकिन उसका जो वेरिएबल होता है वो एक्स ही होता है, जैसे कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसकी तुलना करेंगे ना, तो केवल इक्वेशन से तुलना करेंगे, जो कि इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के बराबर जीरो से तुलना करेंगे, तो ए बी सी का मान निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा डी होता है। उसके बाद जब इसे सोल्व करते रहेंगे तो जिस तरीके से डोमेन निकलती है ना या रेंज निकलती है, उस तरीके से हम डोमेन तरीके से इसका मान निकाल लेंगे। और मान निकाल के एक लाइन खींच के माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर इसका हम एक्स का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वेशन कह रहे थे या फंक्शन कह रहे थे एक्स में, तो आपका मान किसका आएगा? एक्स का मान आएगा। तो एक्स का मान जो होगा 1/3 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो इस तरीके से तुम किसी भी इक्वेशन की या किसी भी फंक्शन की तुम रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेंज निकालनी आनी चाहिए, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे एनपी हो चाहे।